सो गाइस वेलकम बैक टू अवर YouTube चैनल। सो गाइस मेरा नाम है सौरभ तिवारी और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल सौरभ तिवारी ब्लॉग। सो गाइस आज हम आ चुके हैं 143 वर्ष पुराने रेलवे स्टेशन जो कि झारखंड के धनबाद रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो कि स्टेशन आपको दिख रहा होगा थोड़ा, जो कि धनबाद रेलवे स्टेशन है। तो गाइस आपको ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना है, हम आपको पूरा विजिट करवाएंगे, पूरा स्टेशन दिखाएंगे अंदर से क्या है कैसा है, 143 वर्ष पुराना रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें क्योंकि ऐसे में तो मज़ा आ भी सकता है और नहीं भी। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि इधर लेफ्ट साइड है जो कि बाइक पार्किंग है। स्टेशन आप कभी भी आते हैं तो सबसे पहले इधर बाइक पार्क कर सकते हैं, बाइक कार वगैरह। तो चलिए ब्लॉग में बने रहें, एक एक करके आपको सभी कुछ दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो कि मेरे पीछे धनबाद रेलवे स्टेशन का बाइक पार्किंग है, आप यहाँ पे बाइक रख सकते हैं जो कि एकदम सेफ़ रहता है। यही है धनबाद रेलवे स्टेशन का बाइक पार्किंग। और इधर आप देख सकते हैं जो कि आरक्षण कार्यालय है, यहाँ पे रिजर्वेशन टिकट वगैरह बनता है धनबाद रेलवे स्टेशन का। और जो कि जनरल टिकट काउंटर है वो उस साइड है, वो भी मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊँगा। तो ब्लॉग में आपको बने रहना है, फुल एक्सप्लेनेशन ब्लॉग बनाऊँगा दोस्तों, आप कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहें। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो कि चित्र बनाया गया है रेलवे स्टेशन के बाहर, जो कि कोयले को दर्शाया जा रहा है कैसे निकाला जाता है, आप देख सकते हैं। जो कि सीधा स्टेशन के बाहर ही है, फ्रंट में आप देख सकते हैं। और इधर है धनबाद रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर से आपको व्यू दिखाते हैं। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें। तो दोस्तों अब हम आपको लेके चलते हैं जहाँ पे टिकट बनाया जाता है, जहाँ पे जनरल टिकट मिलते हैं। और अंदर कहा जाए तो टोटल 10 टिकट काउंटर हैं। और तो आइए आपको दिखाते हैं अंदर, देख सकते हैं यहाँ से टिकट काउंटर के अंदर जा सकते हैं जनरल टिकट। टोटल 10 टिकट काउंटर हैं दोस्तों यहाँ पे धनबाद रेलवे स्टेशन में, क्योंकि जनरल टिकट बनाया जाता है। आप देख सकते हैं मेरा स्टेशन के अंदर आ चुका हूं, आप देख सकते हैं आगे से जो कि इधर से ही स्टेशन के अंदर आ जाता है, गेट देख सकते हैं बाहर। और इधर गेट नंबर 1 है ये। तो चलिए ब्लॉग में बन रहे, ऊपर से आपको व्यू दिखाते हैं स्टेशन का, जो कि बहुत बड़ा स्टेशन है झारखंड का धनबाद रेलवे स्टेशन। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें। तो दोस्तों अभी मैं हूँ, आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे, और मेरे राइट पे देख सकते हैं जो कि 7 प्लेटफॉर्म है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं इधर से जो कि आखिरी प्लेटफॉर्म है धनबाद रेलवे स्टेशन का, प्लेटफॉर्म नंबर 8। और धनबाद स्टेशन की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल 8 प्लेटफॉर्म है, जो कि अंतिम वाला आप देख सकते हैं इधर आखिरी प्लेटफॉर्म नंबर 8। आखिरी प्लेटफॉर्म हो सकता है गाइस, लेकिन फिर भी देख सकते हैं आप इधर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 8 है, जो कि आखिरी प्लेटफॉर्म है धनबाद रेलवे स्टेशन का। और इस स्टेशन की बात की जाए तो यह स्टेशन 143 वर्ष पुराना रेलवे स्टेशन है। और यहाँ इस स्टेशन को कहा जाता है कि झारखंड का सबसे ज़्यादा इनकम देने वाला स्टेशन यही स्टेशन है, धनबाद रेलवे स्टेशन। और इस स्टेशन की ऊंचाई की बात की जाए तो वह 235 मीटर ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन है। और इस स्टेशन का आप देख सकते हैं जो कि बाहर निकलने का है, आप इधर से देख सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारा ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे अभी तक जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब हमारे नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।